उपस्थित हुए हैं 7th to 10th JPSC जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आई है सिविल सर्विसेज की, उसके लिए विजय स्टडी सर्किल से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके सफलता सम्मान समारोह के लिए आज सबको बुलाया गया है, और ताकि इनके सफलता को हम लोग साथ में खुशी मना सकें, साथ ही साथ हमारे फैकल्टी द्वारा इनको एक संदेश भी देने की कोशिश की गई कि आगे ये अधिकारी बन कर करके अपने जो है कर्तव्यों को कैसे निभाएंगे, ये भी एक हम इनको संदेश दे सकें, इसलिए ये सम्मेलन आज यहाँ करा गया। हमारे विजय स्टडी सर्किल से जो हमें वर्तमान कॉन्टेक्ट में जितने स्टूडेंट्स रहे और इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया तो लगभग हमारे 50 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट किए हैं, जिन्होंने सूचना दी वो उतने स्टूडेंट्स पास किए। आज जैसा कि परिस्थिति आप देख रहे हैं रांची की, तो सारे लोग आज उपस्थित नहीं हो पाए। विजय स्टडी सर्किल के बारे में कुछ बताएं सर। विजय स्टडी सर्किल 2002 में स्थापित हुई थी, और विजय स्टडी सर्किल सिविल सर्विसेज के लिए समर्पित संस्थान है। यहाँ पे JPSC, BPSC और UPSC की तैयारी की जाती है, साथ साथ JSSC की भी क्लासेस यहाँ होती है। हमारा मुख्य फोकस वैसे हमेशा JPSC रहा, और JPSC में संस्थान ने पहले JPSC से लेकर अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं 7th to 10th JPSC, उसमें निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया संस्थान। ये ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं? हमारी रांची में 2 ब्रांचेज है, रांची में एक HB रोड में है जो हमारा मेन ब्रांच है, फिरायलाल में है, और एक हमारी ब्रांच हजारीबाग में। अब तक कितने स्टूडेंट ने सफलता से किया? देखिए, अगर पहले JPSC से लेकर अभी तक बात की है तो उसका एग्जैक्ट फिगर तो मुश्किल है, लेकिन अगर सारे को जोड़ दे तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग 500-550 स्टूडेंट्स जरूर क्वालिफाई किए होंगे सारे एग्जाम्स को मिला दें। और इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें जैसा मैंने बताया कि लगभग 50 स्टूडेंट पास किए। देखिए, JPSC की तैयारी के लिए तो स्पेशल मंत्र सबसे पहला न केवल पढ़ाई होती है, JPSC की तैयारी के लिए 2-3 फैक्टर और होती है जो हम लोग को मोटिवेट करना होता है। पहला फैक्टर ये होता है कि इसकी तैयारी में काफ़ी समय लगता है, जैसा कि आप मीडिया लोग जानते हैं कि 3-4 साल में ये कंडक्ट होती है एग्जामिनेशन, तो ऐसे स्थिति में उनको मेंटली फिजिकली मोटिवेट और तैयार करना ये भी बहुत मायने रखता है, और साथ ही साथ एक उत्कृष्ट पढ़ाई तो मायने रखती ही। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम 2-3 संदेश देना चाहेंगे। पहला संदेश तो ये कि JPSC के बारे में ज़्यादातर आप जो खबरें सुनते हैं वो निगेटिव सुनते हैं, JPSC के बारे में आप सकारात्मक सोच रखिए। जब तक आप किसी संस्थान के बारे में सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक आप परफेक्ट तैयारी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको ये तय करना होता है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आए, लेकिन क्या आप इस काबिल हैं कि सेल्फ तैयारी कर सकते हैं? अगर आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं तो आप सेल्फ तैयारी कीजिए और सही ढंग से जाइए, और अगर आपको अपने में कमी लिखती है तो आप उत्कृष्ट संस्थान की ओर जाइए। और चूँकि हमारी इंस्टीट्यूट 20 साल से है तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। मीडिया को अपना परिचय? मेरा नाम पवन झा है, मैं विजय स्टडी सर्किल का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर होने के साथ साथ मैं यहाँ पे JPSC और अन सिविल सर्विसेज के लिए GS के जो 8 सेक्शन है, जो कोर सेक्शन होते हैं, जो जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ आप देखेंगे झारखंड सेक्शंस, ये मैं देखता हूँ। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, हमारे साथ कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। हमारे दाहिने तरफ नागपुरी के महान विद्वान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर राय सर हैं, जो नागपुरी यहाँ का एक रीजनल पेपर है, और इस रीजनल पेपर में ये जो सुधीर सर हैं हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके गाइडलाइन में ये सफलता हासिल किए हैं, तो इनका भी हम सम्मान करते हैं, और साथ ही ये नागपुरी के बारे में आपको विशेष जानकारी दे सकते हैं।